संबंधित। जी हाँ, आप समझ तो गए ही होंगे कि किसानों की अहम बात इस खबर में हम आपको बताएंगे। लखीमपुर खीरी में धान खरीद का जमीनी तौर पर हाल खराब है। यूं तो कागजों पर कई गुना खरीद पिछली बार से ज्यादा कर दी गई है, लेकिन बेचने वाला अन्नदाता किसान बेहद परेशान है। जिले की लगभग हर मंडी में हालात एक जैसे ही हैं। किसान कड़ी मेहनत के साथ फसल का सही मूल्य पाने के लिए कहीं ज्यादा मेहनत करने को मजबूर है। शहर से सटी राजापुर मंडी में किसानों का धान सरकारी केंद्रों पर खरीदा नहीं जा रहा। अलबत्ता किसानों को मंडी परिसर में कई रात गुजारनी पड़ रही है। जिले भर में 129 क्रय केंद्र हैं और सभी जगह पहुंचने पर पहली कोशिश यही होती है कि किसी तरह बहाना बनाकर खरीद ना की जाए और आढ़तियों से ही लिया जाए। किसान कहीं कहीं पर 5 दिन से धान बेचने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। एक तो बेचने में समय और बहाने, और कहीं आढ़तिये के पास पहुँच गया किसान तो रेट 900 से 1000 का। ऐसे में अधिकांश किसान इसी रेट में धान बेचने को मजबूर दिख रहे हैं। हालांकि अफसरों के मंडी पहुंचने की भनक पर ये रेट जरूर बढ़ जाता है। फिलहाल किसान इस खरीद से परेशान हैं और अफसरों का दावा बेहतर खरीद का है। देखिए R9 भारत संवाददाता अशोक शुक्ला को इस रिपोर्ट में कि किसानों का दर्द क्या है और उसके एवज में DM शैलेंद्र सिंह का बयान क्या है। दर्शन सिंह, क्या दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं धान? दिक्कतें सर ऐसे आ रही हैं कि हम लोगों के, जैसे हम लोगों के पास तो पंखे हैं नहीं घर पे लगाने के लिए, ना तो मॉइस्चर चेक करने वाली मशीनें हमारे लोगों के पास हैं। अगर ज़्यादा सूख जाता है तो कांटे वाले कहते हैं कि ज़्यादा सूख गया, इसमें चावल टूट रहे हैं, ये हो रहा, हमारे मील वाले नहीं ले रहे। लेकिन हमारी दौड़ तो इनके कांटों तक है ना, हमको इनसे मतलब है। सरकार हमसे कह रही है कि सरकारी कांटे पे ले जाइए, हम यहाँ पे धान लेके आ रहे हैं, ये हमारा तौलें, पंखे लगाएं, कैसे भी करें। और बाकी जैसे लेबरों की समस्या है, सरकार को चाहिए कि लेबर और बढ़ाएं और जल्दी जल्दी किसानों का निपटारा हो। कुछ किसान मजबूरी में क्या बाहर कैसे बाहर, आज 930 रुपये में धान बिका है मंडी में, 930 940 और हमारी लगभग 1500 रुपये कुंटल की तो लागत आ रही है धान में, और हम लोग 900-1000 रुपये में बेचने के लिए मजबूर हैं। और जो आढ़तिये बाहर के हैं वो 2 महीने उधार के 1200 रुपये लगा देंगे, कह रहे 2 महीने पैसे नहीं देंगे उधार, और पेपर भी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि खाते में पैसे डालेंगे आप लोगों के 2 महीने उधार के लिए। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, तो धान का रेट बहुत डाउन चल रहा है इसमें। सतनाम जी, क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? समस्याएं ये हैं सर कि देखो, कल से लेके आए हैं धान, कल सुबह 6 बजे से, और अभी तक तौल नहीं हो रहा है। लेबर नहीं है, कांटा नहीं है, पंखा नहीं है, यही समस्या है। क्या बाहर बेचने को मजबूर है? बाहर 900-1000 रुपये मांग रहे हैं। और सरकारी पे क्या बता रहे हैं? सरकारी पर यही समस्या कि तौल नहीं हो रहा है। तौल हो फिर तो कुछ भी नहीं, तुल जाए, तौल नहीं हो रहा पूरा। हाँ जी, तौल नहीं हो रहा अगे फिर होने उत्थे जा के 4-6 रुपये ले लेने। सर मेरा नाम मेजर सिंह है। दिक्कत तो सर आपके सामने है, आप लोग भी यहाँ आए हुए हैं, और यहाँ से किसान जो है आज 4-4, 5-5 दिन से बैठा हुआ है, और तोल की जो लिमिट है वो 300 कुंटल है एक दिन की। यहाँ पे मेरे हिसाब से जो है 100 बहुत बड़ी बात है, 100-150 से ऊपर नहीं तोला जाता है। और यहाँ पे जो मानक है, मानक चलो किसी का है, चलो ठीक है, मानते हैं कि 17 है 18 है, थोड़ा सा सुखाने के बाद में भी हम उसको लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए समस्या जो है हम उसका समाधान करते हैं। और रही बात ये डस्टर की, तो ये कहते हैं कि डस्टर जो है वो अपनी लेबर ला के लगवाइए। हालांकि यहाँ इस सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं हम, उस सेंटर उधर है, वहाँ गए थे तो कह रहे थे लेबर लाओ, डस्टर लगवाओ। तो डस्टर हम जब यहाँ पे 20 रुपये इनको खर्चा नहीं तुला। क्या बता रहे हैं लोग? ये लोग बता रहे हैं कभी लेबर की कमी है, कभी कोई कुछ है, अभी नहीं तुला जाएगा। कभी बताते हैं इसमें माउचर ज़्यादा है, माउचर कम करो, फिर भी हम सुखाते हैं उसको। सुखाने के बाद छाया में सुखाते हैं, छाया में भी सुखाना पड़ता है, जगह कम है यहाँ, सोचना पड़ रहा है आप लोगों को। वैसे बाहर तो है 1100-1200 चल रहा है, जो आठ वाले खरीद रहे हैं। सरकारी खरीद? हाँ, सरकारी खरीद चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, बहुत कम। देखिए जिले में इस समय 129 क्रय केंद्र चल रहे हैं, और अगर आज की डेट में हम बात करें तो 1499 किसानों से 12610 MT खरीद हो चुकी है। अगर हम विगत वर्ष से तुलना करें तो लगभग 20 गुना अधिक है, और लगातार इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इस साल अभी तक 18,000 कृषकों ने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद ही क्रय किया जाता है। इस संबंध में मैं कृषकों से अपील करना चाहूँगा कि जो लोग भी क्रय केंद्र पर धान बेचना चाहते हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तत्काल करा लें, और तहसीलों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि जो लोग भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें उसका तत्काल वेरिफिकेशन कराएं।
और 50 क्विंटल से कम अगर कोई किसान बेचने आता है तो उसके वेरिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगातार सभी हमारे अधिकारी इसके लिए सतर्क हैं और जो भी इसमें लापरवाही बरत रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें अभी तक हम लोगों ने इस क्रम में 1 FIR दर्ज कराई है, 3 कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई है, इसके अलावा 3 लोगों को एडवर्स एंट्री दी गई है और 12 लोगों को कठोर चेतावनी दी गई है। इसके अलावा 1 सचिव को आज निलंबित भी किया गया है निदेशालय द्वारा। तो लगातार जो कार्रवाई, जो सहयोग नहीं कर रहे हैं या शासन की नीतियों को लागू नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और लगातार प्रयासों से वर्तमान में धान की खरीद में निरंतर सुधार परिलक्षित हो रहा है। सर, अभी भी देखने में आ रहा है कि कई किसान आ रहे हैं 2-2, 3-3 दिन रात में मंडी में रुके हैं, उनको किस तरह? देखिए, इसके लिए टोकन की ऑलरेडी व्यवस्था की गई है। सभी कृषकों से कहा गया है कि पहले वो टोकन ले लें उसके बाद आएँ, क्योंकि अगर एक साथ एकदम से आ जाते हैं तो फिर वेट करना पड़ता है। इसीलिए ऑनलाइन टोकन की भी व्यवस्था है और ऑफलाइन चाहेंगे तो ऑफलाइन टोकन की भी व्यवस्था है। टोकन ले लें, अपने सैंपल्स दिखा लें जिससे आने के बाद किसी तरह की असुविधा न हो। कुछ किसान ऐसे भी आ रहे हैं जिनके सैंपल्स मानक के बिल्कुल विपरीत हैं और एक लिमिट तक के आगे फिर उसको क्रैक करना संभव नहीं होता है। तो किसानों से भी मेरा आग्रह है कि जो मानक दिए गए हैं, जो मॉइस्चर का कंटेंट है उससे अधिक न रहें, फॉरेन पार्टिकल्स उससे अधिक न रहें, इसका थोड़ा ध्यान रखें। बाकी ये सभी कृषकों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी कृषक रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन सबका 100% धान का क्रय किया जाएगा। R9 भारत के लिए अशोक शुक्ला की रिपोर्ट, लखीमपुर, उत्तर प्रदेश।